और तेरी दूसरी आंख कौन है? खेलेगा ना और हांडी में माइच फोड़ेगा। Let's go! तेरी बदन रखता हूं मैं इनसे हैवी बंदा। अरे बाबा मर जाता, ऊपर वाले के घर जाता। ये कौन है? ये तो इन्फ्लुएंसर है मैदान। इंडिया, पोलैंड, कहाँ की है तू? फिलहाल तुम्हारे औकात के बाहर की हूँ। You can challenge death. जो काबिल होगा सामने आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई की मौत मैदान में हुई? मेरे को सिर्फ मेरे भाई की सच्चाई जानी है, समझी? और अर्जुन रामपाल का भी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, दोनों के फाइट सीन काफी अच्छे थे और काफ़ी इंजॉइंग है। मतलब मूवी आप एक मिनट के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एंटरटेनिंग नहीं है। इट्स रियली एंटरटेनिंग। नहीं, काफ़ी अच्छी थी दोनों की। बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। फिल्म अच्छी लगी मेरे को। एक्टिंग भी बहुत प्यारी है, साउंड म्यूजिक सब कुछ बहुत प्यारा है, स्टोरी भी अच्छी है। अगर लोगों को एक्शन मूवीज देखना जिसको ज़्यादा पसंद है, लव स्टोरी वगैरह सब कुछ हटा के एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो उन लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। एग्जामिनेशन का टाइम है तो क्या लगता है कितना बिजनेस कर पाएंगे? जहाँ पे बच्चों के इस टाइम एग्जाम है तो सबसे ज़्यादा फैन है बच्चों के, वही अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ऐसे में फंसे। उसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा लेकिन वीकेंड पे लोग देखने आ सकते हैं। वैसे भी सैटरडे संडे है तो लोग आ सकते हैं देखने के लिए, तो अच्छी वो भी अच्छी है। सीन्स काफी प्यारे प्यारे हैं, सब कुछ अच्छा है। 3 बहुत अच्छी फिल्म है। म्यूजिक, एक्शन तो भरपूर है। मतलब जिसको एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, उसके लिए तो बेस्ट मूवी है। और लास्ट में सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है। 4 फिल्म कैसे लगी आपको? एवरेज थी। कमाल का था क्योंकि अर्जुन और विद्युत एक साथ आए बड़ी स्क्रीन पे। कमाल की दोनों की केमिस्ट्री थी। हाँ, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखी। दोनों एक्शन और डायलॉग और उनके जो सीक्वेंस थे बहुत परफेक्टली हुए जो करना चाहते थे। बिल्कुल उन्होंने छाप छोड़ी है और अपने उनके चाहने वालों के लिए एक दोबारा उनको पर्दे पर देखने के अच्छा मौका है। कमाल का काम किया उन्होंने। अच्छी थी केमिस्ट्री। स्टार्ट में उलझाई लेकिन बाद में केमिस्ट्री अच्छी थी और एक अच्छी स्टोरी की तरफ जा रही थी दोनों की गाड़ी। जी 3 फिल्म बहुत बढ़िया थी। फिल्म में वो सबसे ज़्यादा उनके दोनों के एक्शन मूवी अच्छी लगी। अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल दोनों एक्शन से दिखाया और सबसे बढ़िया मेरे को विद्युत जामवाल की जो बॉडी दिखाई है बहुत बेहतरीन। सॉरी फाइटिंग सीन बहुत ज़्यादा नहीं। पिक्चर अच्छी है, बोरियत नहीं है पिक्चर के अंदर। काफ़ी मजा आया, एंटरटेन किया। बहुत अच्छी पिक्चर थी, कोई दिक्कत नहीं। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट दोनों भाइयों का जो प्रेम दिखाया है ना, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। 5 आउट ऑफ 5। फिल्म काफ़ी बेटर लग रही है। जिस तरीके से अभी हमने एनिमल पीछे देखा था कि कहीं ना कहीं वो बाप और बेटे के किरदार पे थे, यहाँ पे बाप बेटे के साथ भाइयों का किरदार भी दिखेगा। और सबसे अच्छी जो बात लग रही है वो अर्जुन रामपाल काफ़ी लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं पिक्चर में, तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है। और फिर से एक बार कहीं ना कहीं फैमिली के प्यार को दिखाया गया कि किस तरीके से भाई एक एडवेंचरस गेम के ऊपर ये अच्छी मूवी बनी है। वो कह सकते हैं कि थोड़ा एडवेंचरस दिखाया गया है कि कैसे एक भाई एडवेंचरस गेम में जाता है, उसकी मौत हो जाती है जिसका कारण जामवाल नहीं जान पाता है जो मेन हीरो हैं। तो वो एक एस्पेक्ट जो है वो इस कहानी का एक छुपा हुआ रूप रहेगा। चाइनीज वेब सीरीज भी कुछ इसी तरह की थी, एक जो आई थी नेटफ्लिक्स पे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं स्टोरी? हाँ, शायद जिस तरीके से हमने वेब सीरीज देखी और एक मूवी भी है ऐसे ही, हम अगर कहें हॉलीवुड में, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलती जुलती है। लेकिन वही कहते हैं ना कि यहाँ की जो भाषा है, मुंबई का जो भाषा यूज़ की गई है, अर्जुन रामपाल की जो वापसी है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दर्शकों को प्रभावित कर सकती है चीज़ों के। 3.5 तक स्टार देने चाहिए क्योंकि बीच में जो नूरा फतेही का हैं या फिर जो गाने हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस लेवल पे शायद दर्शकों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ना खींच पाएंगे। लगता फिल्म जी कर पाएगी क्योंकि, लेकिन हालांकि ऐसे ही इस समय जो है वो आर्टिकल 370 भी आ रही है। अब देखना है कि दोनों में टक्कर होगी तो किस तरीके से, एक संजीदा मुद्दे पे, एक फैमिली मैटर पे, लेकिन दर्शकों को हल्की फुल्की अच्छी लगेगी ये मूवी। बढ़िया फिल्म, अच्छी एंगेजिंग है, इमोशनल स्टोरी है। पहले लगा था कि स्पोर्ट ड्रामा होगी, लेकिन स्पोर्ट जो जनरल स्पोर्ट्स ड्रामा होते हैं इस मूवी से काफ़ी अलग है। सट्टेबाजी वगैरह वाला सीन है पूरा। एक्ट्रेस कमाल की हैं, मतलब विलेन और जो हीरो की कड़ी की टक्कर होती है वो जबरदस्त। स्टार्टिंग में दिखाए गए जो आज भी मुंबई के ट्रेनों में हो रहे हैं, तो उसको देख के क्या लग रहा है कि नहीं, आई थिंक ये जो भी स्टंट्स हैं वो एक्सपर्ट्स के ट्रेनिंग में, निगरानी में किए गए होंगे, फिल्माए गए होंगे। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है कि जो लोकल ट्रेन में जनरली हो रही है, अच्छा नहीं है। नोरा फतेही के साथ केमिस्ट्री कैसे लगी? नहीं जमी, नहीं। 5 में से 3.5। फिल्म काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा एक्शन, बैकग्राउंद म्यूजिक और विद्युत जम्वाल और अर्जुन रामपाल की एक्टिंग। कितने टाइम बाद अर्जुन रामपाल की एक्टिंग देखने को मिली, तो मूवी काफ़ी अच्छी थी। 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूँगी। एक्टिंग बेसिस, फाइटिंग सीन्स को लेके और बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक ही मूवी की जान था, उसकी वजह से मूवी काफ़ी टाइम तक टिकी रही। ज़्यादातर पब्लिक जो है नोरा फतेही को देखने आएगी, तो क्या लगता है कितना मतलब रहेगा? नोरा फतेही की एक्टिंग भी अच्छी थी, उनका एक्शन वगैरह जो भी उन्होंने सीन्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। 5 में से 4.8। और तेरी दूसरी आँख कौन है? खेलेगा ना और हांडी में माइच फोड़ेगा। लेट्स गो। अरे बाबा मर जाता, ऊपर वाले के घर जाता। ये कौन है? ये तो इन्फ्लुएंसर है मैदान। इंडिया, पोलैंड, कहाँ की है तू? फिलहाल तुम्हारे औकात के बाहर की हूँ। You can challenge death. जो काबिल होगा सामने आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई की मौत मैदान में हुई? मेरे को सिर्फ मेरे भाई की सच्चाई जानी है, समझी?